नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बटन ऐसा होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो या नए हो तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट सभी पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए, जो कि HSSC के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के रिलेटेड 5 धमाके हुए हैं जी। कौन कौन से हुए हैं पूरी अपडेट देंगे, कोई भी स्किप ना करे, ठीक है। इन ग्रुप्स में बच्चे ज़्यादा, इनका एग्जाम कहाँ होगा, 4 गुना पद कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन, ग्रुप डी और फॉर्म HSSC का पूरी मेन एग्जाम डेट, ग्रुप सी के मेंस एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, पूरी अपडेट देंगे जी, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करते ही वीडियो आपसे मिस होने वाली है। जो कि ये देख सकते हो, ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के लिए बन रहा है नया शेड्यूल, ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोलने को आयोग ने लिखा पत्र, सितंबर में परीक्षा संभव हो सकती है ग्रुप डी की, ठीक है जी। पूरी अपडेट दे रहे हैं, तो इसमें देख सकते हो जो कि ग्रुप सी के 32,000 पदों की जो प्रक्रिया है वो तेजी अब पकड़ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने 18 मई तक युवाओं को अपडेशन का समय दिया था। अब आयोग को पता लगा रहा है कि किस पद के लिए कितने आवेदन आए हैं, इसके बाद पद एम कैटेगरी वाइज यह तय होगा कि इनकी परीक्षा कहाँ होगी, इसका शेड्यूल भी तैयार कराया जाएगा। वहीं ग्रुप डी के हजारों पदों के लिए भी परीक्षा तैयारी कर रहा है। ग्रुप डी के लिए आवेदन को पोर्टल खोला जाना है, इसके लिए सरकार को लिखा गया पत्र। ग्रुप डी के लिए 10.54 लाख से अधिक पंजीकरण आए हैं। आयोग का कहना है कि सितंबर में यह परीक्षा होने की संभावना है, अभी भी संभावना है जी, जो कि मैं पहले भी आपको कल भी बता चुका हूँ अपडेट में, 10.54 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है जी। ग्रुप डी सी के लिए यदि एक पद पर 10,000 से कम युवाओं ने आवेदन किया तो उनकी परीक्षा पंचकुला में हो सकती है, यदि 10,000 से अधिक हैं तो उनकी करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत में परीक्षा होगी। आयोग का मानना यह भी है कि बड़ी संख्या में युवाओं को दूर तक सफर ना करना पड़े, इसके लिए नज़दीक ही किए गए हैं। और सेकंड अपडेट है जो 5 अपडेट्स की जिक्र की है, तो पांचों की पांचों बताएंगे। एक ये होगी 32,000 पदों की 18 मई तक युवाओं को अपडेशन का समय दिया था, ठीक है। और दूसरी अपडेशन होगी जी 10.54 लाख युवाओं ने इसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, और 10,000 से कम होंगे तो पंचकुला में एग्जाम होगा, नहीं तो जो 6 स्टेट बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, उनमें होगा। उसके बाद थर्ड है जी कॉमन ग्रुप में बड़ी संख्या में आवेदन जारी हुए हैं, जो कि 32,000 पदों के लिए 3.36 लाख के करीब युवाओं ने आवेदन किया है। उनमें कॉमन ग्रुप्स में पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन है, इनमें 12वीं व ग्रेजुएशन स्तर के पद शामिल हैं। ग्रुप सी की परीक्षा 15 जून के बाद है, ग्रुप सी की परीक्षा जो लिखित परीक्षा है 15 जून के बाद आयोजित की जाएगी, पहले शेड्यूल बनाया जाएगा, ये फोर्थ अपडेट है। तो पहले शेड्यूल बनाया जाएगा, फिर आवेदकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के सेंटर बताए जाएंगे, और 32,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है, 32,000 पदों के ही भर्ती प्रक्रिया ये कब तक पूरी होगी जी, 31 दिसंबर तक, ये देख सकते हो पूरा 31 दिसंबर तक पूरी होगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक थी, लेकिन अब ये घटकर 3.57 लाख कैंडिडेट ही परीक्षा पास कर पाए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट और फिफ्थ अपडेट जो है, CM मनोहर लाल खट्टर जी बोले हैं 4 माह में 65,000 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, खट्टर जी ने कहा है भी 8 वर्षों में कार्यकाल में प्रदेश में 1,04,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पहले अगले 4 महीनों में ग्रुप सी और डी के साथ साथ शिक्षा व पुलिस विभागों में भी 65,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। जो कि अभी तक आपको पता है भी पुलिस के जो नए नियम हैं
वो भी अभी तक वेटिंग में है, क्योंकि जब तक नए नियम में संशोधन सरकार करके एचएसएससी को नहीं देगी तो एचएसएससी पुलिस क्या भी जो पुलिस सिपाहियों की भर्ती है वो भी नहीं कर पाएगी, तो अभी तक वो भी पेंडिंग में है। तो सीएम साहब ने बुधवार को जनसंवाद में के पाँचवें कार्यक्रम के तहत जिला महेंद्रगढ़ के गांव बलाहा कलां निजामपुर मुसनौता में ग्रामीणों से रूबरू होने पहुंचे थे। उन्होंने गांव बलाहा कलां में 5.31 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। महेंद्रगढ़ जिले में बनने वाले लॉजिस्टिक हब और 1000 एकड़ में बनने वाली IMT खुडाना के फायदे गिनाए हैं, ठीक है जी। और ये इन्होंने खट्टर जी ने कहा भी आने वाले 4 महीने में जो 1,04,000 युवाओं को नौकरी मिल गई है और इसमें और भी 65,000 पदों पर भर्ती जल्द ही की जाएगी, ठीक है। इसके लिए पत्र भी सरकार को लिख दिए गए हैं भी जल्द से जल्द ग्रुप डी का पेपर के लिए हमें परमिशन दी जाए, तो ग्रुप डी के पेपर के लिए पहले तो पोर्टल खुलेगा, उसके बाद सितंबर में परीक्षा की संभावना है जी, पक्का नहीं है, क्योंकि पहले शेड्यूल बनेगा ग्रुप सी का, सी के एग्जाम होंगे फिर ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, ठीक है जी। आपको पता है ग्रुप सी का मेंस का एग्जाम होना बाकी है, उसके बाद ही ग्रुप डी का होगा, उसकी संभावना भी सितंबर में जताई जा रही है। तो ये भी कहा जा रहा है भी 15 जून के बाद ग्रुप सी के एग्जाम होंगे मेंस के, 31 दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया 32,000 पदों की संपूर्ण कर ली जाएगी। बाकी देखते हैं जी, जैसे कोई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।